48 विकासात्मक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसके साथ ही सीएम ने कांगड़ा जिले के जसवा प्रागपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रागपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। वहीं मुख्यमंत्री ने उद्योग मंत्री और जीआईसी को 25 लाख रुपए और 21 लाख रुपए का चेक प्रदान किया। तो अपने इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने क्या कुछ कहा, जरा सुनवाते हैं आपको। जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, पढ़ते तो कमी थे, यही काम करते थे लगभग जो आजकल कर रहे हैं। यानी कि संगठन में काम करते हुए कभी किसी कार्यक्रम में, कभी किसी धरने में, कभी किसी प्रदर्शन में हम सब लोग मिला करते थे। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि आप सबके स्नेह के कारण, आप सबके प्यार के कारण भाई विक्रम सिंह जी हिमाचल प्रदेश में आपके प्रतिनिधि इस विधानसभा क्षेत्र में पहुंचने के साथ साथ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण महकमे के मंत्री है। और ये भी एक संयोग है कि बड़े लंबे समय तक ये होता रहा। इस विधानसभा क्षेत्र में जो विधायक होता था वो ज्यादातर ऑपोजिशन में ही बैठता था। सरकार के अंदर विधायक जो है वो कम होते थे, लेकिन अब की बार सरकार भी है, विधायक भी है और मंत्रिमंडल में भी ये सहयोग है। इस बात के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। पिछली बार आप सबके बीच में आने का कार्यक्रम था जिसका जिक्र भाई विक्रम सिंह जी यहां पर कर रहे हैं, आने के लिए मन भी था लेकिन मौसम बहुत खराब हुआ, हम तैयार होकर के बैठे थे। आप सबके दर्शन करने का हमको उस वक्त सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पाया मौसम खराब होने की वजह से। हम वर्चुअली जुड़े थे और वर्चुअली जो बात कह सकते थे, जो काम कर सकते थे, वो काम करने की हमने कोशिश की। मैं इस बात के लिए मैं जरूर कहना चाहता हूं, मैंने किसी विधानसभा क्षेत्र में वर्चुअल माध्यम से एक विधानसभा क्षेत्र में दो डिवीजन की घोषणा नहीं की, लेकिन आपके इस विधानसभा क्षेत्र में पीडब्ल्यू का भी डिवीजन और आईपीएस का भी डिवीजन हमने किया। और यही नहीं, पॉलिटेक्निक कॉलेज की बात कही तो उसके लिए भी हमने जिक्र किया। फार्मेसी कॉलेज की अगर बात कही तो फार्मेसी कॉलेज भी आपके विधानसभा क्षेत्र में दिया। और इसके अतिरिक्त बहुत सारी सड़कों के लिए जो पैसे का जिक्र यहां पर किया गया था, उन सड़कों के लिए पैसा भी आपके यहां पर आया। और अभी जब रास्ते में हम आ रहे थे, मैं भाई विक्रम सिंह जी से बात कर रहा था कि मैं तो सड़कें तो आपकी बहुत अच्छी हैं। बोलते जी बिल्कुल बहुत अच्छी हैं, पहले सड़कें खराब थी लेकिन अब इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो प्रमुख सड़कें हैं वो तो पक्की हुई ही हुई, लेकिन जो गांव को छोटे छोटे गांव को भी सड़कें जाती थी उन सड़कों को भी हमने बहुत हद तक जो है हमने पक्का कर दिया। आप सबके बीच में काफी अच्छे से आने की बातें चल रही, लेकिन वो कार्यक्रम आगे 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 होता रहा और उसकी प्रमुख वजह तो ये रही कि हम भी इंतजार करते रहे कि ये कोरोना का दौर खत्म हो जाए। अगर आपके बीच में आए फिर हम ऐसा नहीं कि हम 200 लोगों के बीच में मिलकर के यहां से जाएं। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि आज हम आपके इस कार्यक्रम में यहां पर पहुंचे हैं, यहां हजारों की संख्या में आप लोग यहां पर उपस्थित हैं
और इस कार्यक्रम के एक अनंत से अलग से अग्रानंद का एक माहौल जो है खड़ा हो रहा है। अगर आज के कार्यक्रम में हम यहां पर हजारों की संख्या में यहां पर बैठे, इसके लिए भी मैं कहना चाहूंगा कि अगर ये श्रेय किसी को जाता है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को जाता है। कोविड से बचने के लिए सबके लिए वैक्सीन का बिना पैसे का इंतजाम किया, और वैक्सीन लगने की वजह से हम इतनी भीड़ में यहां पर बैठे और बिना खौफ के बैठे, बिना डर के बैठे। यहां पर वैक्सीन लग गई होगी, जिनको लग गई, एक डोज लगी तो एक हाथ खड़ा करें, वैक्सीन लग गई क्या? इसको लगाई थी कई लोगों ने, सबने लगाई? अगर सबने लगाई तो दो डोज लगाई तो दोनों हाथ खड़े करो। हाँ, आप लग रहा मुझे कि 100% वैक्सीन लगी, तीसरे डोज भी लग गई, वाह क्या बात है। अगर कोई रह गया होगा तो तीसरी डोज भी, भाई वो भी लगा लेना उसका डोज। अभी कार्यक्रम में बैठे हुए थे, हमारे कांग्रेस के मित्रों को बात कहने की आदत है, जब कुछ नहीं होता कहने के लिए तो कहते हैं कि जयराम ने कुछ नहीं किया। मैंने कहा यार ये तो सही बात है, अगर देश की बात आए तो मोदी जी के बारे में यही कहते हैं कि कुछ नहीं किया। तो सामने कांग्रेस ही बैठे थे सभा में, तो मैंने कहा हमारे मित्र बोल रहे हैं कि कुछ नहीं किया। मैं यहां भंडार में पूछना चाह रहा हूं, मैंने कहा कि जिसको वैक्सीन की डोज लगी, फ्री ऑफ कॉस्ट लगी, वो हाथ खड़े कर, कि उन कांग्रेस ने भी हाथ खड़े थे उठ गए ना, क्योंकि वैक्सीन तो लग गई थी। तो मैंने कहा अभी कुछ वक्त पहले तो आप लोगों के साथ ही आपके नेता ये कहते थे कि भाई कुछ नहीं किया, वैक्सीन लगी कि नहीं लगी, बिना पैसे के लगे कि नहीं लगे, कहा कि हाँ लगी, तो कहना तो बंद करेगी कुछ। किसी भी सभा में जाने का कोई सभा ऐसी नहीं होती है जहां पर एक नहीं, केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का, एक योजना का नहीं, कई योजना के लाभार्थी हमारे सामने बैठे होते हैं। और आज के कार्यक्रम में हमारे बीच में हमारे भाई बहन यहां पर बैठे हैं, किसान सम्मान निधि के कि किस आपके खाते में आई कि नहीं आई, बोलो बलदरा, आई आई, पर कम बोलते हैं थोड़ी लगता, तो आई है तो जोर से बोलना चाहिए कि भाई आई है, खाते में आई है। और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं, जितने लोग यहां पर बैठे हैं 90% से ज्यादा लोग ऐसे होंगे जिनके खाते में आई। हाँ ये बात आई, माता जैसे यहां पर गृहिणी सुविधा योजना का चूल्हा घर में पहुंचा कि नहीं पहुंचा, पहुंचा तो जोर से बोलिए पहुंचा। हाँ बड़ी संख्या में पहुंचा, 3,25,000 से ज्यादा गैस के चूल्हे घर घर में पहुंचाए। उसके बावजूद भी हमारे कांग्रेस के लोग कहते हैं, विपक्ष के लोग बोलते हैं कि जयराम ने कुछ नहीं किया। भाई विक्रम सिंह कह रहे थे इस बात, जब हिमाचल प्रदेश में सरकार बनी, सरकार बनने के बाद पहले कैबिनेट की बैठक में हमने ये निर्णय लिया था कि हमारे बुजुर्ग बुजुर्गों की सेवा करने का जो है ये परंपरा खत्म होती जा रही है, कम होती जा रही है, बुजुर्गों की सेवा करने के लिए हमको शुरुआत करनी चाहिए। अगर घर वाले अगर बुजुर्गों की सेवा नहीं करते हैं तो हमारी जिम्मेवारी है सरकार के नाते हम उनकी सेवा करने के लिए पहल करें। अपने 70 साल के ऊपर के सभी बुजुर्गों को पेंशन का प्रावधान, बहुत बुरा लगता है जब कोई बुजुर्ग हाथ में कागज का टुकड़ा लेकर के धक्के खाते हुए अपने हमारे सामने खड़ा होकर के गुहार करता है, प्रार्थना करता है कि मुझे पेंशन लगाई जाए।
हमने कहा घर बैठे पेंशन लगेगी, आने की जरूरत नहीं होगी। और अब के बजट में हमने ये प्रावधान किया, 70 नहीं 60 साल के ऊपर जितने भी बुजुर्ग हैं सबको पेंशन का प्रावधान हमने किया। जो कांग्रेस के लोग ये कहते हैं कि कुछ नहीं किया, उनके जमाने में 400 करोड़ रुपए पेंशन पर खर्च करते थे, आज हमारी सरकार 1300 करोड़ रुपए पेंशन पर खर्च कर रही है। और उससे आगे बढ़कर के अगर हम बात कहें, ये जो गरीब आदमी के इलाज के लिए कोई योजना नहीं थी, जब हमारी सरकार बनी हमने कहा कोई अगर गरीब आदमी बीमार हो जाए उसका इलाज करने के लिए उसके पास पैसा नहीं हो वो इलाज कैसे करेगा, कोई भी योजना नहीं थी। आज से पहले 50 साल सत्ता रही कांग्रेस पार्टी के लेकर के उस गरीब आदमी के लिए कभी सोचा नहीं कि कभी अगर वो बीमार हो जाए उसका उसको ऐसी बीमारी लग जाए, क्योंकि बीमारी किसी को पूछ करके नहीं लगती। हमने शुरुआत की कोई भी आदमी अगर गरीब आदमी बीमार होगा 5 लाख रुपए तक का इलाज का प्रावधान हम सरकार की ओर से करेंगे। हमने हिमकेयर की शुरुआत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत के माध्यम से पूरे देश के लोगों का इलाज करने का बीमार लोगों का इलाज करने का बीड़ा उठाया और हमने हिमाचल प्रदेश में हिमकेयर के माध्यम से गरीब लोगों का इलाज करने का प्रावधान किया, जो आज से पहले कभी नहीं था। जो कांग्रेस के लोग विपक्ष के लोग कहते कुछ नहीं किया, आज वो लोग भी जाकर के जब बीमार होते हैं हॉस्पिटल जाते हैं तो हिमकेयर का कार्ड लेकर के जेल में पहुंचते हैं और डॉक्टर को कहते हैं कि मेरा रजिस्ट्रेशन हिमकेयर के माध्यम से हुआ है और इसलिए मेरा पति जो गरीब है उसके घर में भी पहुंचना चाहिए। 1,37,000 गैस के चूल्हे हिमाचल प्रदेश को उज्ज्वला योजना के अंतर्गत मिले। तो तस्वीरें कांगड़ा की आप देख रहे थे, जहां पर आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पहुंचे और कई विकास परियोजनाओं की सौगात यहां पर दी है और जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश और